गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः मुस्कुराते हुए आप सभी मेरे दिल के बहुत ही करीब प्रतियोगी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। छतगण, हमेशा ध्यान रखें कि अपने विरोधियों को यदि आपको परास्त करना है, अपने आलोचकों को जवाब देना है, तो आपकी एक मुस्कुराहट ही उनके लिए जवाब बन सकती है। लेकिन ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आएगी कब? जब आप सफल हो जाएंगे। ये सफलता की मुस्कुराहट अचूक अस्त्र का काम करती है और यही आपके तमाम विरोधियों को नेस्तनाबूद कर देती है। छतगण, आलोचकों को जवाब देना है तो वह है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन कब? जब आप सफल हो जाते हैं, जब आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। छतगण, इन्हीं सब सकारात्मक बातों के साथ आज पुनः मैं लेकर आया हूं चोल साम्राज्य की ओर। चोल साम्राज्य, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने चोल साम्राज्य के विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम में एक नोट डालेंगे छतगण, एनओटी नोट लिखिए। चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या उग्र भील ने कर दी थी। उग्र भील ने कर दी थी, भील ने कर दी थी। चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या उग्र भील ने कर दी थी। छतगण, हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। छतगण, हेडिंग बनेगा चोलकालीन प्रशासन। चोलकालीन प्रशासन लिखिएगा। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रांत के नीचे कमिश्नरी या प्रमंडल होते थे। जिसे कुट्टम कहते थे, कुट्टम कहते थे। कमिश्नरी या प्रमंडल के नीचे नीचे जिले होते थे, जिसे नाडू कहते थे, नाडू कहते थे। नेक्स्ट, जिले के नीचे ग्राम समूह होते थे, जिन्हें कुदम कहा जाता था, कुदम कहा जाता था। नेक्स्ट, चोल काल में प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता, विशेषता स्थानीय स्वशासन थी, स्थानीय स्वशासन थी, थी। नेक्स्ट, चोलों को
भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, चोल काल में पहली बार ग्राम पंचायत प्रणाली की शुरुआत गांव में हुई थी। नेक्स्ट, चोल काल में आम जनता जो गांव की बैठक में भाग लेती थी या पंचायत में भाग लेती थी इस समिति को उर कहा जाता था। नेक्स्ट, सभा या महासभा उच्च वर्ग अर्थात ब्राह्मणों की सभा होती थी जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती थी। इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। नेक्स्ट, व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। नेक्स्ट, चोल काल में भू राजस्व या लगान की दर एक बटा तीन थी। नेक्स्ट, चोल कालीन प्रशासन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में नोट डालिएगा छतगन, NOTE नोट लिखेगा। आधुनिक भारत की पंचायती राज व्यवस्था
आधुनिक भारत की पंचायती राज व्यवस्था, चोलों की ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था, ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था से प्रेरित थी, प्रेरित थी। छद्म क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 6 प्रांतों में। प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम। प्रांतों के नीचे क्या थे? प्रमंडल होते थे छतगण, जिसे अभी वर्तमान में हम लोग कमिश्नरी कहते हैं, है ना। उन्हें क्या कहा जाता था? कोट्टम। कोट्टम के नीचे क्या होता था? जिला, जिसे हम लोग उस समय नाडू कहते थे। जिले को क्या कहा जाता था छतगण? नाडू कहा जाता था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगण। जिले के नीचे गांव के समूह होते थे, जिन्हें कुर्रम कहा जाता था, है ना। पूछेगा चोल कालीन निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को उनके क्रमानुसार सजाएं। तो छतगण, जब तक आपको नहीं मालूम रहेगा कि मंडलम प्रांतों को कहा जाता था, कमिश्नरी को कोट्टम कहा जाता था, प्रमंडल को, जिले को नाडू कहा जाता था, कुर्रम ग्राम समूह को कहा जाता था, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा छतगण। इसलिए आपको ये क्रम से याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों तरीके से पूछा जा सकता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सवाल दूसरा सवाल आपसे पूछेगा छतगण, उसे भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली, ग्राम पंचायत व्यवस्था किस राजवंश की देन है? चोलों की देन है छतगण, है ना। चोलों ने सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन प्रणाली को अपनाया, ग्राम पंचायत प्रणाली को अपनाया। गांव में मंदिर के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे गांव के लोग बैठते थे और छोटे मोटे विवादों का निपटारा कर देते थे, जैसे अभी गांव में सरपंच मुखिया इत्यादि करते हैं। छतगण, स्थानीय स्वशासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? चोल थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आधुनिक भारत में जो हुई है वो किससे प्रेरित होकर के हुई है? चोलों से प्रेरित होकर के हुई है छतगण। ये सवाल भी क्वेश्चन आ चुका है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए छतगण। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, चोल काल में गांवों में सर्वसाधारण वर्ग के लोग, आम आदमी की जो सभा होती थी, ये बैठ के जो अपने विवादों का निपटारा करते थे, इसे क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था छतगण। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। और उच्च वर्ग, ब्राह्मण वर्ग के जो बैठक होती थी, उसे महासभा कहा जाता था छतगण। दोनों चीजों को आपको याद रखना होगा, दोनों के अंतर को भी छतगण आपको याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसलिए आपको इन दोनों चीजों पर याद रखना होगा कि उर क्या है, महासभा क्या है, है ना। तो छतगण, महासभा में उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे, उर में आम जनता भाग लेती थी। दोनों चीजों को याद रखेंगे छतगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना छतगण। चोल काल में सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था छतगण। चोल साम्राज्य में जो सबसे बड़ी देन है वो स्थानीय स्वशासन प्रणाली है छतगण, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पैनी निगाहें आपको रखनी होगी। अब हेडिंग बनेगा छतगण, चोल कालीन कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। चोल कालीन कला एवं संस्कृति, संस्कृति देखिए, चोल कालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल कालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, नेक्स्ट। चोल काल में वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का भी विकास हुआ था।
विकास हुआ था। नेक्स्ट, व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी, पहले भी आप लिख चुके हैं, नगरम कहलाती थी। नेक्स्ट, चोल काल में विष्णु के उपासकों को अलवार अर्थात वैष्णव संतों को अलवार अलवार तथा शैव संतों को या शिव के उपासकों को शिव के उपासकों को या शैव संतों को नैनार कहा जाता था। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छतगण, नैनार कहा जाता था। नेक्स्ट, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। कावेरीपट्टनम था। नेक्स्ट, तमिल साहित्य के त्रिरत्न चोल काल में मौजूद थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रत्न कम्बन ने, बहुत हिट क्वेश्चन है, कम्बन ने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। तमिल भाषा में अनुवाद किया था अनुवाद किया था। नेक्स्ट, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पुन्ना रन्ना एवं पंपा थे। पुन्ना रन्ना एवं पंपा थे। नेक्स्ट, चोल काल में भगवान शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा जिसे नटराज कहा जाता था का निर्माण हुआ था नेक्स्ट, तीर्थंकर नटराज कांसे की धातु का बना हुआ था तथा यह चतुर्भुजाकार था।
तमिलनाडु का चिदंबरम मंदिर मंदिर नटराज की प्रतिमा के कारण नटराज की प्रतिमा के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है अत्यंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, चोल काल में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में मिश्र के पिरामिड नुमा आकार में किया जाता था। नेक्स्ट, चोलकालीन मंदिरों में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम एवं शिखर को विमान कहा जाता था यह छतगन चोलकालीन कला एवं संस्कृति। क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। चोल काल के शासक किस भगवान के अनुयायी थे? भगवान शिव के। शैव मत को मानते थे। छतगन, शिव के अनुयायियों को, शैव संतों को नयनार कहा जाता था। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी जबरदस्त रूप से आता है, ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव संतों को जो विष्णु के अनुयायी थे उन्हें अलवार कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी आ चुका, पूछेगा वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? अलवार। शैव संतों को क्या कहा जाता था? नैनार। चोल काल के शासक किस धर्म को या किस भगवान के अनुयायी थे? भगवान शिव के थे, इसलिए इन्हें शैव मत का अनुयायी और समर्थक कहा जाता है। क्योंकि तंजौर का जो राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर है वह भी भगवान शिव को ही समर्पित है। राजराजा प्रथम ने जो उपाधि धारण की है शिवपाद शिखर, इससे भी सत्यापित होता है कि चोलों का राजकीय धर्म शैव था। शैव मत को यह मानते थे, यह आपको ध्यान रखना। लेकिन छतगण, शैव मत को मानने के बावजूद भी वैष्णव मत, जैन मत, बौद्ध मत, ये सभी मतों का सम्मान प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी नहीं थी। सभी धर्मों के लिए एक समान अवसर थे। फिर आपसे पूछेगा, चोल काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/3 थी। चोल काल में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया जाता था? नागल शैली में किया जाता था, द्रविड़ शैली में किया जाता था, कांगड़ा शैली में किया जाता था, है ना? किस शैली में होता था? तो द्रविड़ शैली में होता था। छतगण ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की एक शैली है द्रविड़ शैली, है ना? राहुल द्रविड़ क्रिकेटर का भी नाम आपने सुना होगा, ये भी दक्षिण भारत के हैं, कर्नाटका के, है ना? तो द्रविड़ शैली में किया जाता था चोलकालीन मंदिरों का निर्माण, ध्यान रखेंगे। चोलकालीन मंदिरों का आकार कैसा होता था? मिस्र के पिरामिड के आकार का होता था। छतगन, पिरामिड नुमा आकार, पिरामिड का नाम आपने सुना होगा छतगन, है ना? तो मिस्र के पिरामिड नुमा आकार का मंदिर बनाया जाता था। चोल काल में सबसे ज्यादा मूर्ति बनाई गई थी भगवान शिव की, और वो भी
नृत्य करती हुई प्रतिमा, छदगन इस नृत्य करती हुई प्रतिमा को क्या कहा जाता था? नटराज कहा जाता था, नटराज, है ना, छदगन इसे नटराज के नाम से जाना जाता था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। भगवान शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा नटराज, जिसके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप लोगों ने भी यूज किए होंगे, उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है। इसमें भगवान शिव के कितनी भुजाएं दिखाई गई हैं? चार, चतुर्भुजाकार चार भुजाएं दिखाई गई हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है छात्रगण कि नटराज की प्रतिमा में भगवान शिव की कितनी भुजाएं दिखाई गई हैं? चार भुजाएं दिखाई गई हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा छात्रगण। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना होगा कि तमिलनाडु का जो चिदंबरम मंदिर है वह भगवान शिव की नटराज प्रतिमा के कारण काफी प्रसिद्ध है। द टेम्पल ऑफ चिदंबरम इज वेरी फेमस छात्रगण, ध्यान देंगे। यह भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण पूछा जाता है। पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें छात्रगण। चोल काल में विशाल मंदिर, विशाल प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था छात्रगण। छात्रगण इसको आप टेक्निक या ट्रिक से याद रख सकते हैं। गोपुरम, गो मतलब क्या होता है? जाना, है ना। तो आप गो जा रहे हैं कहां? मंदिर में। तो गो किसके थ्रू जाइएगा? प्रवेश द्वार के थ्रू ही ना जाइएगा, हवा में तो उड़ के नहीं जाइएगा। तो इसलिए प्रवेश द्वार को कहते थे गोपुरम। और मंदिर के शिखर को, शिखर कहां होता है? मंदिर के सबसे ऊंचे में। और विमान कहां होता है? आकाश में। तो मंदिर के शिखर को क्या कहा जाता था छात्रगण? विमान कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना होगा। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? कम्बन ने किया था। कन्नौज साहित्य के तीर्थ कौन कौन थे? पुन्ना, लन्ना, पंपा, याद रखेंगे छात्रगण। ये सभी चीजें प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आती हैं कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? कम्बन ने किया था। ये सारी चीजें बहुत ही हिट हैं और जबरदस्त रूप से आती हैं। तो ये है छात्रगण चोल साम्राज्य और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं का एक विस्तृत और व्यापक अध्ययन हम लोगों ने किया है, जिससे जिसमें आपको एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा छात्रगण। चोल साम्राज्य की कला संस्कृति, चोल साम्राज्य का प्रशासन, चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन प्रणाली यानी पंचायती राज व्यवस्था जो कि भारत को देन है, ये सारे चीजों को छात्रगण याद रखिए। विजयालय द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य को राजेंद्र तृति तक आपको याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो छात्रगण हम लोग इसके बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। छात्रगण मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। छात्रगण क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष? तीन पक्षों के बीच संघर्ष। वो तीन पक्ष कौन है छात्रगण? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कहां के लिए संघर्ष कर रहे हैं ये? ये तीनों मिलकर संघर्ष कर रहे हैं कन्नौज के लिए। कन्नौज कहाँ है छात्रगण? उत्तर प्रदेश में। नाम सुन चुके हैं आप, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच 1540 में, 39 में चौसा का युद्ध हुआ था छात्रगण, 40 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, आपने नाम सुना है, ध्यान दीजिएगा छात्रगण। सवाल उठता है कि कन्नौज के लिए ही संघर्ष क्यों हुआ, अन्य क्षेत्रों के लिए क्यों नहीं हुआ? छात्रगण त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि तीन राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ था और वो था एक स्थान, जिस स्थान का नाम था कन्नौज। कन्नौज के लिए यह संघर्ष हुआ था छात्रगण, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण। कन्नौज के लिए ही संघर्ष क्यों हुआ इसे हम लोग जानेंगे, है ना। हेडिंग बनाएगा प्रेनोस्कोपी में त्रिपक्षीय संघर्ष लिखिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान के लिए, स्थान के लिए
तीन राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, इस संघर्ष में निम्न तीन राजवंश शामिल थे। नंबर एक पाल वंश, नंबर दो प्रतिहार वंश, नंबर तीन राजपूत वंश। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय प्रतिहार वंश को प्राप्त हुआ था। टेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह संघर्ष कन्नौज के लिए ही क्यों हुआ? लिखिएगा। नंबर एक, कन्नौज एक अति महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नंबर दो, कन्नौज गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में स्थित था। जिसके कारण यहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। नेक्स्ट, कन्नौज आर्थिक रूप से काफी समृद्ध क्षेत्र था। नंबर तीन पॉइंट, कन्नौज आर्थिक रूप से काफी समृद्ध एवं संपन्न क्षेत्र था, ऐसा लिखेंगे, संपन्न क्षेत्र था। नंबर चार, कन्नौज उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम करता था। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा छात्रगण अपने नोट्स कॉपी में, पाल वंश बीचों बीच। छात्रगण, कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? कि क्यों तीन राजवंश, पाल प्रतिहार राजपूत, सिर्फ एक स्थान के लिए आपस में भिड़े हुए थे, एक स्थान के लिए संघर्षरत थे, और वो स्थान था कन्नौज। क्या कारण था छात्रगण? ध्यान दीजिएगा छात्रगण, कारण स्पष्ट था। नंबर एक कि कन्नौज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नंबर दो, कन्नौज आर्थिक रूप से काफी संपन्न और समृद्ध क्षेत्र था। नंबर तीन, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम करता था। नंबर चार, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, दो नदियों के बीच की मिट्टी की भूमि जो कि बहुत ही उर्वरा होती है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ थी। इसके कारण आकर्षित होकर तीन राजवंशों ने कन्नौज के लिए संघर्ष किया था। पाल को यदि हम लोग धर्मेंद्र मान लें, प्रतिहार को यदि हम लोग अमिताभ बच्चन मान लें, राजपूत को यदि हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा मान लें, तो इसमें अंतिम विजय रही थी
प्रतिहारों की बिग बी अमिताभ बच्चन की विजय रही थी, सदी के महानायक की विजय रही थी। ध्यान रखेंगे छतगन पूछेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, नंबर एक पाल, नंबर दो प्रतिहार, नंबर तीन चोल, नंबर चार राष्ट्रकूट। तो चोल शामिल नहीं थे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट शामिल थे। ध्यान देंगे छतगन त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन अंतिम रूप से विजयी रहा था, राष्ट्रकूट विजयी नहीं रहे, पाल विजयी नहीं रहे, प्रतिहार विजयी रहे थे अंतिम रूप से। यद्यपि शुरुआती दौर में तो सबको विजय मिली, लेकिन अंतिम रूप से विजय कन्नौज को अपने अधीन मिलाने का श्रेय है प्रतिहारों को। ध्यान देंगे छतगन कन्नौज भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। त्रिपक्षीय संघर्ष कहां के लिए हुआ था, कन्नौज के लिए हुआ था। ध्यान देंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग छतगन जानेंगे तीनों राजवंशों के बारे में अलग अलग। सबसे पहले हेडिंग बनाएगा पाल वंश, धर्मेंद्र के बारे में आप जान रहे हैं छात्रगण, लेकिन यहाँ पे धर्मेंद्र हेमा मालिनी के बारे में नहीं जानना है, आपको यहाँ पे पाल वंश के बारे में जानना है। देखिए पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी सन में की थी। नेक्स्ट पाल वंश मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में विस्तृत था, बंगाल और बिहार में विस्तृत था। नेक्स्ट पाल वंश की राजधानी बिहार के या बिहार में मुंगेर नामक स्थान था। पाल वंश का राजधानी बिहार में मुंगेर नामक स्थान था। नेक्स्ट पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार में ओदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना की थी। ओदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना की थी, बौद्ध विहार की स्थापना की थी। स्थापना की थी। नेक्स्ट त्रिकंशन गोपाल जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, शासक था। चलो क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पाल वंश निम्नलिखित में से किन राज्यों में विस्तृत था, नंबर एक बंगाल, नंबर दो बिहार, नंबर तीन तमिलनाडु, नंबर चार ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों होगा, बिहार और बंगाल में अविस्तृत था। ध्यान रखिएगा गंगा घाटी क्षेत्र में। छतगन पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। कौन था पाल वंश का संस्थापक, गोपाल था। छतगन पाल वंश की राजधानी कहां थी, मुंगेर थी, बिहार का मुंगेर नामक स्थान है ना, यही पर पाल वंश की राजधानी थी। गोपाल ने बिहार के किस स्थान में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, ओदंतपुरी है ना छतगन, ओदंतपुरी नामक स्थान में इसने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा छतगन राजतंत्रात्मक प्रणाली में यदि किसी राजा को जनता द्वारा चुना जाता हो तो यह एक सुखद संयोग होता है। छतगन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पाल वंश के राजा संस्थापक गोपाल को आम जनता ने चुना और प्रजातंत्र का सुखद संदेश दिया। पूछेगा वह एकमात्र राजा कौन था जिसे शासकों ने नहीं बल्कि जनता ने चुन करके राजा बनाया था, गोपाल था। ध्यान रखेंगे छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब हेडिंग बनेगा धर्मपाल, धर्मपाल लिखे, यह गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, एवं उत्तराधिकारी था। यह
सबसे प्रभावशाली एवं प्रतापी शासक था, शासक था। नेक्स्ट, धर्मपाल ने निम्न उपाधियां धारण की थी, धारण की थी। नंबर एक, महाराजाधिराज। नंबर दो, परम भट्टारक, परम भट्टारक। नंबर तीन, उत्तरापत स्वामी। उत्तरापत स्वामी, स्वामी। नेक्स्ट, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। नेक्स्ट, धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहां बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इस शाखा के तहत तंत्र मंत्र जादू टोना टोना का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान, वज्रयान पाल वंश के शासकों के काल में ही विकसित हुई थी। नेक्स्ट, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांवों से प्राप्त आय को, 200 गांवों से प्राप्त आय को अनुदान के रूप में, अनुदान के रूप में दिया था। 200 गांवों से प्राप्त आय को अनुदान के रूप में दिया था। नेक्स्ट, धर्मपाल पाल वंश का प्रथम शासक था, जिसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट, इसने कन्नौज के राजा, इंदिरा युद्ध को पराजित कर, पराजित कर उसके स्थान पर चक्रा युद्ध, चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था, कन्नौज का शासक बनाया था। नेक्स्ट, अगले शासक का नाम लिखेंगे छतगन, देवपाल,
देवपाल देखिए, यह धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट, अरब का यात्री सुलेमान देवपाल के समय भारत यात्रा पर आया था तथा इसने देवपाल को सर्वाधिक शक्तिशाली पाल शासक बतलाया था। नेक्स्ट, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट, महिपाल प्रथम लिखे, इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसके कार्यकाल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बिहार और बंगाल के साथ कलिंग प्रदेश पर आक्रमण किया। कलिंग प्रदेश पर आक्रमण किया तथा महिपाल प्रथम को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। नेक्स्ट, सामंतों या जमींदारों के विरोध के कारण पाल वंश का अंत हो गया। छद्मन, क्या सवाल आगे गौर कीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है? बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा दी जाती थी? वज्रयान शाखा। छात्रगण, बौद्ध धर्म में 3 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, है ना। वज्रयान में तंत्र मंत्र जादू टोना शामिल है। छात्रगण, वज्रयान शाखा का उदय पाल शासकों के कार्यकाल में ही हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पर भी आपको पहले निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। छद्मन,
यह भी अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं का, पैने निगाहें रखें। छतगन, दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, दूसरी बात जो आपको मनन करनी है, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, गौर करनी है, उसे ध्यान दीजिएगा। छतगन, क्या है वो बात? पूछेगा, पाल वंश के किस शासक को उत्तरापथ स्वामीन कहा जाता है? धर्मपाल को कहा जाता है। पाल वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने की थी। छतगन, पाल वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? धर्मपाल था। छतगन, पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कन्नौज के लिए संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को पराजित कर अपने प्रतिनिधि शासक चक्रा युद्ध को वहां का शासक नियुक्त किया था। छतगन, गौर कीजिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। पूछेगा, नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के रखरखाव के लिए 200 गांवों से प्राप्त आए अनुदान में देने वाला पाल शासक कौन था? तो छतगन, वह पाल शासक था धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, 200 गांवों से जो आय प्राप्त होती थी छतगन, उसने यह दान में दे दिया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, धर्मपाल के पश्चात देवपाल पाल वंश का उत्तराधिकारी बना। छतगन, देवपाल ने 5 गांवों से प्राप्त आय अनुदान में दे दिया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों से प्राप्त आय अनुदान में दिया था। गौर करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, देवपाल के पश्चात महिपाल प्रथम आए। महिपाल प्रथम के शासनकाल में, महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। छतगन, महिपाल प्रथम के शासनकाल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दक्षिण भारत के तमिलनाडु का शासक चोल वंश का शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया उत्तर भारत में और महिपाल प्रथम को पराजित कर दिया। छतगन, पूछेगा, महिपाल प्रथम के समय किस चोल शासक का उत्तर भारत पर आक्रमण हुआ था? राजेंद्र प्रथम का, राजेंद्र प्रथम चोल का हुआ था। ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? महिपाल प्रथम को कहा जाता है। गौर करेंगे छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा, पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? गोविंद पाल। पाल वंश का अंत कैसे हुआ? जमींदारों के विद्रोह के कारण पाल वंश का अंत हो गया, सामंतों के विद्रोह के कारण पाल वंश का अंत हो गया। इसे भी आपको छतगन ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। ध्यान देंगे छतगन। पाल वंश के पश्चात छतगन हम लोग प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। हेडिंग बनेगा प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। हेडिंग बना लिया छतगन आपने, लिखेंगे, इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस राजवंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, थे। नेक्स्ट, इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज थे, मिहिर भोज थे। नेक्स्ट, इसने आदि वराह वराह की उपाधि, की उपाधि धारण की थी।
आदि वराह की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ विष्णु का भक्त होता है। विष्णु का भक्त होता है। नेक्स्ट, मिहिर भोज के शासनकाल में, मिहिर भोज के शासनकाल में काल में कन्नौज अंतिम रूप से प्रतिहारों के अधीन आ गया। कन्नौज अंतिम रूप से प्रतिहारों के अधीन आ गया, आ गया। नेक्स्ट, मिहिर भोज ने कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के दरबार में, महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान मौजूद थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी, रचना की थी। छगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। प्रतिहार वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। पैनी निगाहें आपको रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, है ना। पूछेगा प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ विष्णु का भक्त होता है। भगवान विष्णु का यह परम भक्त था, इसलिए इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा त्रिपक्षी संघर्ष में प्रतिहार अंतिम रूप से विजयी रहे थे, किस प्रतिहार शासक के समय कन्नौज को प्रतिहारों की राजधानी बनाया गया था? मिहिर भोज के समय कन्नौज को प्रतिहारों की राजधानी बनाया गया था। छात्रगण, प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहते थे। राजशेखर ने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल के दरबार में थे, ध्यान रखेंगे। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में थे प्रतिहार शासक, और इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। यह भी आपको ध्यान रखना है छात्रगण, है ना। तो कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किसका हुआ था? प्रतिहारों का हुआ था। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश लिखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश मुख्य रूप से दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी, मान्यखेत थी।
मान्य खेत थी। नेक्स्ट, दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, किया था। नेक्स्ट, देखते हैं, दंती दुर्ग के पश्चात कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था, राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। इसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, बाद में भगवान शिव का प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर, बहुत हेट क्वेश्चन है छात्रगण, एलोरा का कैलाश मंदिर, मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव प्रथम शासक था जिसने कन्नौज के लिए संघर्ष में भाग लिया था, कन्नौज के लिए संघर्ष में भाग लिया था तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल को, पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, किया था। ध्रुव को धारावर्ष, ध्रुव को धारावर्ष इनवर्ट कॉमा अंडरलाइन भी कहा जाता है, कहा जाता है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने भी, गोविंद तृतीय ने भी, ने भी त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया तथा पाल वंश के राजा धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, पराजित किया था। इसके समय राष्ट्रकूट शक्ति अपने सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच गई थी, थी। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघवंश, अमोघवंश जैन धर्म का कट्टर समर्थक था, कट्टर समर्थक था। इनके दरबार में जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जिनसेन, आचार्य जिनसेन मौजूद थे,
आचार्य जिनसेन मौजूद थे, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ आदि पुराण पुराण की रचना की थी, आदि पुराण की रचना की थी। नेक्स्ट, अमोघवंश ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट, अमोघवंश के दरबार में महावीराचार्य महावीराचार्य नामक विद्वान मौजूद थे, जिन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी, गणित सार संग्रह की रचना की थी। नेक्स्ट, अरब देश का यात्री अल मसूदी राजपूत शासक इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध विद्वान पुन्ना मौजूद थे। छठगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। राजपूत वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। राजपूत वंश की राजधानी कहां थी? मानिखेत थी, है ना। मानिखेत नामक स्थान में राजपूतों ने अपनी राजधानी बनाई थी। दंती दुर्ग ने उज्जैन में कौन सा यज्ञ किया था? हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राजपूत वंश के शासक ध्रुव ने पहली बार कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। राजपूत वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। राजपूत वंश के शासक अमोघवंश जैन धर्म का कट्टर समर्थक था तथा इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसके दरबार में जैन आचार्य जिनसेन मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त रूप से एक ग्रंथ छदगन लिखा था, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा और याद रखना होगा, आदि पुराण। जिनसेन ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? आदि पुराण। किसके दरबार में थे? अमोघवंश के दरबार में थे। अमोघवंश किस धर्म का समर्थक था? जैन धर्म का समर्थक था। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन छदगन, गौर कीजिएगा। अमोघवंश ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी, यह भी याद रखेंगे। पूछेगा, अल मसूदी नामक अरब का यात्री किस राजपूत शासक के दरबार में आया था? इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। राजपूत वंश के किस शासक को धारावंश भी कहा जाता है? राजपूत शासक ध्रुव को धारावंश भी कहा जाता है। राजपूत वंश के किस शासक के समय राजपूत वंश चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? गोविंद तृतीय के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो छदगन, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था, तीन शक्तियों ने भाग लिया, पाल धर्मेंद्र, प्रतिहार अमिताभ बच्चन, राजपूत शत्रुघ्न सिन्हा।
कभी पाल जीत जाए, धर्मेंद्र जीत जाए, कभी अमिताभ बच्चन आए दीवार लगा करके सटा के उसे आके छीन ले, कभी उधर से शत्रुघ्न सिन्हा आए चिल्लाए खामोश और वो आकर के अमिताभ बच्चन से छीन ले, इस तरीके से कन्नौज लगातार फुटबॉल की तरह मार खाते जा रहा था, कभी इस गोल पोस्ट में कभी उस गोल पोस्ट में, लेकिन छतगन अंतिम रूप से विजय हुई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की यानी प्रतिहारों की। पूछेगा कन्नौज के लिए हुए संघर्ष में, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षी संघर्ष में अंतिम विजय किसे मिली थी? गुर्जर प्रतिहारों को मिली थी छतगन। तो आपको पाल वंश के शासकों उनकी विशेषताएं, प्रतिहार वंश के शासक उनकी विशेषताएं, राजकूट वंश के शासक उनकी विशेषताएं के बारे में सारा कुछ जानना होगा, याद रखना होगा, जितनी बातें मैंने लिखाई हैं उसे भी मनन करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो छात्रगण आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी इसी उत्साह जोश जज्बे और जुनून के साथ। थैंक यू।